लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भाजपा यानी भारतीय झंडू पार्टी का दलित विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम यानी SC/ST एक्ट में संशोधनों पर स्वर्ण समुदायों के आक्रोश के बीच भारतीय झंडू पार्टी की लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का स्वर्ण चेहरा उजागर हो गया। पहले तो सुमित्रा महाजन ने SC/ST एक्ट कानून को लेकर कहा कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल महाजन ने ऐसा कह दिया जिसने भारतीय झंडू पार्टी के दलित प्रेम को नंगा कर दिया। एक व्यापारी प्रकोष्ठ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाजन ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इस विषय में मिलकर विचार विमर्श करना चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि कानून का मूल स्वरूप बरकरार रखने के लिए संसद में सभी पार्टियों ने मतदान किया था। महाजन ने कहा कि कानून तो संसद को बनाना है, लेकिन सभी सांसदों को मिलकर SC/ST कानून में किए गए संशोधन के बारे में सोचना चाहिए। इस विचार विमर्श के लिए बेहतर वातावरण बनाना समाज के सभी लोगों की जिम्मेदारी है। इसके बाद भारतीय झंडू पार्टी की झंडू स्पीकर सुमित्रा महाजन ने एक कहानी के जरिए उदाहरण देते हुए जो कुछ भी समझाया, उसने भारतीय झंडू पार्टी के दलित प्रेम की हवा निकाल दी। इस झंडू स्पीकर ने कहा कि मान लीजिए अगर मैंने अपने बेटे के हाथ में बड़ी चॉकलेट दे दी और मुझे बाद में लगा कि एक बार में इतनी बड़ी चॉकलेट खाना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, अब आप बच्चे के हाथ से वो चॉकलेट जबरदस्ती लेना चाहें तो आप इसे नहीं ले सकते। ऐसा किए जाने पर वो गुस्सा करेगा और रोएगा, मगर 2-3 समझदार लोग बच्चे को समझा बुझा कर उससे चॉकलेट ले सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि किसी व्यक्ति को दी हुई चीज अगर कोई तुरंत छीनना चाहे तो विस्फोट हो सकता है। उन्होंने SC/ST में कानूनी बदलावों को लेकर विचार विमर्श की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि ये सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है कि पहले एक तबके पर अन्याय किया गया था तो इसकी बराबरी करने के लिए सवर्ण तबके पर भी अन्याय किया जाए, बल्कि हमें अन्याय के मामले में बराबरी नहीं करना चाहिए, हमें लोगों को न्याय देना है। न्याय लोगों को समझाकर ही दिया जा सकता है। सबके मन में यह भाव भी आना चाहिए कि छोटी जातियों पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। भारतीय झंडू पार्टी की लोकसभा स्पीकर के इस बयान से साफ है कि उन्हें SC/ST कानून के तहत दलितों को दिए गए अधिकार से परेशानी है और वो इस कानून को सवर्णों पर अत्याचार और अन्याय मानती हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।